सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है वो बनती कैसे है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। तो गाइस, बिना किसी तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनी होती है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है, मतलब इसमें मौजूद हवा में कोई भी धूल मिट्टी के कण नहीं होते और इसमें वायु में मौजूद विभिन्न गैसों से अलग अलग को अलग अलग करके ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। और फिर इसके बाद हवा को कंप्रेस यानी उस पर भारी दबाव डाला जाता है और इसके बाद हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एडजॉर्बर से ट्रीट किया जाता है। इसमें मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अलग अलग हो जाते हैं और फिर इनको सिलेंडर में भर लिया जाता है और इससे ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।